तो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोग की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर देना रेगुलर गेमिंग यूजर अपडेट्स के लिए। एंड सीरियस वे में हम 200K के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो यार वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं न्यूक्लिया के साथ। रिसेंटली न्यूक्लिया ने ये अपडेट दिया कि बिसाइड हाइड्रा वो और डेंजर भी BGIS खेलने वाले हैं। एंड जल्दी बाकी टू प्लेयर्स भी मालूम पड़ जाएंगे कि उनकी टीम से कौन कौन खेलेगा। न्यूक्लिया ने नहीं, हाँ किया ना वैसे विजय, BGIS खेलने वाला हूँ मैं। टीम अल्फा इज गोइंग टू बी लिट। टीम अल्फा नहीं होगा, टीम का नाम अपन कुछ और रखने वाले हैं, मे बी ऑल स्टार्स। बर्नेक्स को क्यों मिला? बर्नेक्स हमारे लिए तो तुम ही हो जॉर्ड। अरे अरे थोड़ा मुश्किल है एकदम नीचे से क्वालिफाई करके आना, बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई करूँगा। लेट्स सी ना, अभी तक लाइनअप बना ही नहीं हमने। आपकी लाइनअप में कौन कौन है? अभी तक बना नहीं है, ट्राई करो बेस्ट। तो अब कार्टून और क्लाउड अच्छे प्लेयर है। क्लाउड को मोस्टली मैं लेने वाला हूँ, कार्टून को नहीं ले रहे। डेंजर के साथ, हाँ डेंजर के साथ मैं और डेंजर है। अभी बाकी दो डिसाइड नहीं हुआ, एक क्लाउड है और एक चौथा डिसाइड कर रहे अपन। अब बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो रिसेंटली VLT स्नैक्स ने बताया कि आखिर उन्होंने BGIS से पहले ही VLT ज्वाइन क्यों करी एंड स्लेयर और ट्रांस VLT में क्यों नहीं है। जहां पर वो ये बताते हैं कि स्लेयर और क्रेटोस के बीच में उन्होंने आइजलिंग ट्राई करी थी एंड रिगार्डिंग ट्रांस वो ये कहते हैं कि PMWL के बाद से ट्रांस यार बेंचती थे। हम लोग और छोड़ने का रीजन इंटरनल और इश्यूज, जो आप लोगों को पब्लिकली बताना सेंस नहीं बनता। क्यों बताऊं? पब्लिकली ये सब डिस्कस करते नहीं, इंटरनली सबके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंटरनली मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं, हो चुका है ऑलरेडी सॉल्व। इंटरनली इश्यूज थे, इस चक्कर में हम लोग नया और देख रहे थे, वो भी देख रहे थे BGIS के बाद। अब सीन ऐसा हुआ, इस दूसरे रीजन से कॉल आया था शिवाना का। बातों बातों में हम लोगों की बातों बातों में ऐसा मालूम पड़ा कि अन्ना भी और देख रहे, मतलब अन्ना भी टीम देख रहे BGMI के लिए। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ BGIS के बाद ज्वाइन करने से अच्छा कोई और, अन्ना का ऑफर कैसा रिजेक्ट करना, मतलब अन्ना का ऑफर कैसा लेट गो करना। रिजेक्ट तो दूर की बात है, लेट गो कैसा करना, क्योंकि तो अन्ना के बारे में सब जानते हैं कितना स्टेबल और करना मेंटेन करके रखे, तो हमारे प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए भी बहुत सेफ था, सिक्योर्ड फ्यूचर था। तो मैं क्रेडोस से बात करा कि ऐसा ऐसा सीन है ब्रो, अन्ना टीम देख रहे अपन वैसे भी BGIS के बाद, अन्ना BGIS के लिए टीम देख रहे थे, वैसे भी अपन BGIS के बाद चेंज करेंगे। तो हम लोगों समझ रहे, तुम बोल दिया इंटरनल इश्यूज थे और के इश्यूज थे, टीम से किसी को कोई टेंशन नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं थी, कुछ नहीं था, और के इश्यूज थे, उस चक्कर में चेंज करना था। तो मैं क्रेटोस को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है अन्ना देख रहे, मैं कॉल आया था, तो BGIS के बाद कहीं को जाएंगे, BGIS के पहले चले जाएंगे कहीं को, तो बाद में अन्ना टीम उठा लेंगे BGIS के बाद, अपने को मिलती नहीं मिलती और कौन सी अच्छी मिलती नहीं मिलती किसको मालूम। अन्ना का ऑफर नहीं छोड़ना मेरे हिसाब से, मैं बोला अपने को क्लिक करी पिक्चर क्लिक करी, मेरे को अन्ना का ऑफर छोड़ देते तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा मतलब इससे बढ़िया ऑफर नहीं मिल सकता, क्या मालूम मिले ना मिले BGIS के बाद, BGIS की परफॉर्मेंस कैसी है क्या मालूम। तो कहीं को बाद में लेना, पहले ले लेंगे बोलिए, मैं क्रेटोस से बात करूँ। क्रेटोस बोला सही बोल रहा है तू, सही एडवाइस दे रहा हूँ, BGIS के पहले चले जाएंगे। फिर हमारी बात हो गई थी कि हाँ भाई चलो फाइनल करते हैं अन्ना के साथ, यही सीन था टीम ये रीजन से। और इंटरनल और इश्यूज बहुत चल रहे थे जिससे प्लेयर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, गेम पे फोकस नहीं रह रहा था। सबसे पहली बात मेन हमारे पुट्टा, जो हमारा जो पुट्टा है, हमारा जो पुट्टा है क्रेटोस पुट्टा, सबसे मेन उन्हें हौला पिला, वो हौले को बोल बोल के थक गया था, गेम पे ध्यान दे गेम पे ध्यान दे गेम पे ध्यान दे गेम पे ध्यान दे, एंड ही बुरा उन्हें मैनेज कर रहा था, एंड ही बुरा उन्हें मैनेज कर रहा था। मतलब कोनर था क्रेटोस, और का सब देखता था, गेम का भी देखता था, वो हौले का दिमाग एक ऐसा जा रहा डायरेक्शन में, लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन ऐसा जा रहा, दोनों ऐसा मिल रहे नहीं, चक्कर में गेम में हमारे को बहुत बीटी हो रही थी। अब बात कर लेते हैं सिड के बारे में। तो रिसेंटली सिड यार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कंटिन्यूस स्पैम की वजह से कि रेगा को ट्राई करो, अमन को ट्राई करो, एंड उनका सेवेज रिस्पॉन्ड इन्हीं सब चीजों पर आप देख सकते हो जब उनको एक बंदा कंटिन्यूस 100x7 जीपे करता है। एक सेकंड सर, संदीप को ₹700 वापस भेज रहा हूँ भाई। मतलब ऐसा लग, देख लो भाई भेज रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पैसे भी ले रहा हो गाली भी डाल रहा हो। हाँ भाई क्या चूते जैसी बातें करते हो यार, हाँ तुमको मालूम है इसको ले लूंगा तो कंफर्म जीत जाऊंगा, जो कर रहे वो कर रहे हैं ना, हम लोग कर लेंगे हम लोग, तुम या तो तुम आके चला लो यहाँ पे, घर पे आ जाओ, तुम चला लो ये टीम को, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या दादा आते हैं घर पे बैठ के, दादा जमता है तुम लोगों कैसे क्या करने का, आके देख लो कर लो यहाँ पे, शांति मिले भाई आत्मा को। अब बात कर लेते हैं यार सेल्स सब्सिट्यूट के बारे में। तो यार रिसेंटली मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्स सब्सिट्यूट सोल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एंड क्यों नहीं कर रहे हैं उस सबका एग्जैक्ट रीजन भी बताया था। तो यार जिनको नहीं पता वो सुबह की वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड इन सब चीजों के बाद यार कुछ लोग जिनको पता नहीं किसने बताया कि सेल्स सब्सिट्यूट कौन है, उसके कमेंट सेक्शन में यार अब्यूसिव वर्ड और हेट कमेंट यार करने लगे। सो फर्स्टली यार जो भी लोग ये जानने आए हो कि सेल्स सब्सिट्यूट की आईडी क्या है,
तो आई एम सॉरी, मैं वो रिवील नहीं करने वाला, जस्ट ओनली फॉर सम व्यूज, बिकॉज जो हेट उसको मिलेगा यार वो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि स्टिल यार कुछ 1% ऑडियंस इस कम्युनिटी में जिसको पता है कि एक्चुअल सब्स्टिट्यूट कौन था। ये कुछ कमेंट्स हैं और यार ऐसी कमेंट्स की वजह से उसे मैसिव अमाउंट ऑफ हेट का सामना करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सोल में नहीं है। दिस इज नॉट हाउ योर लाइफ वर्क्स। इतना हेट यार जस्ट बिकॉज वो एक महीने से सोल में आना चाह रहा था और किसी रीजन की वजह से वो नहीं आया। यार पर्सनली एक बात बताऊं तो ये हेट देख करके वो भी गेम प्ले पर फोकस नहीं कर पाएगा, एंड यार आफ्टर ऑल इट्स हिज लाइफ, हिज चॉइस, हिज डिसीजन। और वैसे भी यार सोल के ट्रायआउट्स तो बंद नहीं हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो BGIS के बाद। सो यार गिव अप तो कर नहीं देगी। तो यार आप किसी के भी फैन हो सोल के या किसी और टीम के, जब तक यार तुम लोग हेट देना यार बंद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए यार कीप स्प्रेडिंग लव और सपोर्ट एवरीवन। तो सिंपली यार बस आगे बढ़ो, सब्स्टिट्यूट के लिए बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर, एंड यार सोल के लिए ऑब्वियसली यार सोल राइज अप कर जाएगी। तो बस यार आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना। आई डोंट नो यार आप में से कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने यार पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा दिया है, एंड ऐसा माना जाता है कि बीइंग अ न्यूज़ रिपोर्टर आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहिए, बट आई हैव टू बिकॉज इट वॉज नीडेड, बिकॉज आई डोंट काउंट माई सेल्फ ओनली एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। तो बस यार मैं भी 200K के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, तो फटाफट यार सब्सक्राइब भी कर दो, हिट करते हैं यार इस साल से पहले तो यार 200K करना ही करना है। तो बस यार मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे वीडियो में। साइनिंग ऑफ।